साबुदाना वड़ा। लेकर आई हूँ दादर के फेमस प्रकाश रेस्टोरेंट में। यह है प्रकाश शाकाहारी उपहार केंद्र और यहाँ पे मराठवाड़े पदार्थ यानी कि सिर्फ महाराष्ट्रीयन डिशेस ही आपको मिलेंगी। उसी के लिए ये पूरे मुंबई में फेमस है, काफी दूर दूर से लोग आते हैं और उन्हें पता है दादर के टॉप रेस्टोरेंट्स में प्रकाश होटल का नाम आता है। तो हमने लास्ट ईयर भी इसका वीडियो बनाया था जहाँ हमने साबुदाना वड़ा एंड आलू वड़ी ऐसे कुछ चीज़ें खाई थी, प्योर ट्राई किया था जो यहाँ का बहुत ही फेमस है। तो अगर आपने वो वीडियो मिस किया हो तो आप देख सकते हो, उसका लिंक मैं आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। पहले हम ट्राई करने वाले हैं कोथिंबीर वड़ी, इसके बाद हम ट्राई करेंगे यहाँ की मराठी थाली जो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो चलिए ट्राई करते हैं कोथिंबीर वड़ी से। मैं वेजिटेरियन हूँ और यहाँ का साबुदाना वड़ा बहुत पसंद है। हम गुजरात से है लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल आते हैं प्रकाश में साबुदाना वड़ा खाना। मिसल खाया वो भी बहुत टेस्टी था। ये कोथिंबीर वड़ी वो भी बेस्ट है। कोथिंबीर वड़ी में 3 पीसेस सर्व करते हैं ये एक प्लेट में और उसके साथ में ये कुछ अलग तरह की चटनी दिखाई दे रही है। और ये जो कोथिंबीर वड़ी के पीसेस है काफ़ी थिक दिखाई दे रहे हैं, लाइट फ्राई किए हुए हैं। गर्मा गर्म कोथिंबीर वड़ी है, बढ़िया खुशबू आ रही है, मुँह में भी पानी आ रहा है देख के। चटनी के साथ में ट्राई करेंगे। लवली पीनट्स डाले हुए हैं, थोड़े मोटे मोटे बड़े बड़े पीसेस इसमें। तो जो क्रंच है ना फर्स्ट ही बाइट में बहुत ही बढ़िया आया। और ये बेसन के बैटर में हरा धनिया कुछ मसाले डाले जाते हैं फिर बनाया जाता है। दलिए की भी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें। स्टीम किया जाता है इसको, उसके बाद में फ्राई किया जाता है और बहुत ही पॉपुलर महाराष्ट्रन स्नैक है ये, काफ़ी अच्छा है। प्राइस है 70 रुपीज़ में दिस प्लेट ऑफ 3 पीसेस। और जो चटनी है ना ये थोड़ी सी खट्टी वाली चटनी है, एक्चुअली ये खजूर की चटनी है पर मुझे है ना बिना चटनी के कोथिंबीर वड़ी ज़्यादा पसंद आ रही है। चटनी भी बहुत अच्छी है, उसको तो सेपरेटली भी खा सकते हैं, इतनी अच्छी है। बट आई जस्ट लव हैविंग इट दिस वे। आई थिंक वी ऑर्डर्ड ऑल ऑफ द स्नैक आइटम्स, थाली प्लेट वड़ा, साबुदाना वड़ा, कोथिंबीर वड़ी एंड एवरीथिंग इज जस्ट डिलीशियस। आई मीन देयर साबुदाना वड़ा एंड बटाटा वड़ा इज टू लाइक यू नो इट्स अमेजिंग, लाइक रियली गुड, द बेस्ट यू कैन हैव। वी विजिट फ्रीक्वेंटली, वी स्टे इन दादर इटसेल्फ and my aunts have come from Pune, so we just thought you know why not come to Prakash. Sikhan Piyush refreshment ke liye bahut acha. यहाँ पे आपको बेवरेजेस में एरेटेड कोल्ड ड्रिंक्स नहीं मिलेंगे, आपको मिलेगा महाराष्ट्र फेमस पीयूष। इसके अलावा कोकम शरबत, आंवला शरबत, सोलकड़ी भी यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ये पीयूष ट्राई करते हैं। ओ वाओ डिवाइन, इलायची और जायफल की खुशबू, कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही। मैंने लास्ट टाइम पिया था थोड़ा सा थिक था, अभी ना गाढ़ा है ना पतला है, जस्ट राइट। सो आई एम रियली अ फैन ऑफ दिस पीयूष। अगर आप किसी भी महाराष्ट्र रेस्टोरेंट में विजिट करो स्पेशली प्रकाश में तो एक पीयूष तो आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। तो प्रकाश होटल जो है ये 1947 में शुरू किया था काका साहेब जोंगलेकर ने और तब से ये चला आ रहा है, महाराष्ट्र डिशेज सर्व कर रहा है। गिरगांव में भी एक प्रकाश होटल है और वो सेम वही प्रकाश होटल यहाँ पे आपको दादर में भी मिलेगा। अगर आप इनके वेटर्स भी देखो ना तो सारे यूनिफॉर्म में है, गांधी टोपी एंड वो जो सदरा बोलते हैं वैसे टाइप का शर्ट पहन के एक जैसा। एंड कस्टमर्स तो आप देखो तो यहाँ पे इतनी भीड़ होती है, सारा समय यहाँ पे क्राउडेड रहता है बिकॉज इनका जो खाना है ऑथेंटिक महाराष्ट्र है। प्रकाश होटल का मेन्यू देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि बहुत ही सिंपल महाराष्ट्र बेसिक खाना यहाँ पे मिलता है मगर बहुत ही यमी, इसलिए यहाँ पे इतनी सारी भीड़ आती है दूर दूर से। तो यहाँ पे फास्टिंग स्नैक्स भी अवेलेबल है। साबुदाना वड़ा बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और अगर आप यहाँ पे आके देखो ना तो मैं बोलूँगी 70-75% लोग यहाँ पे साबुदाना वड़ा ही खा रहे हैं अभी भी। और इसके अलावा यू गेट साबुदाना पूरी, साबुदाना खिचड़ी एंड ट्यूजडे थर्सडे सैटरडे को भगर कचौरी बटाटा चिवड़ा ऐसी चीज़ें मिलती है यहाँ पे। एंड स्नैक्स में मिसल इनकी काफ़ी डिफरेंट होती है, ये साथ में पाव सर्व नहीं करते हैं, कुछ अलग मिसल है इनकी। मैंने लास्ट वाले वीडियो में अपनी खाई है, आप वहाँ पे देख सकते हो। एंड देन दे हैव पोहे, बटाटा वड़ा, समोसा, थाली पीठ,
तिखट शीरा, बटाटा भजी, कुर्तमेर वड़ी एंड ऑल दोज रेगुलर महाराष्ट्र स्नैक्स। स्वीट्स में आपको यहाँ पे तरह तरह के लड्डूज मिल जाएंगे, बाहर स्वीट्स का काउंटर है, श्रीखंड आपको मिल जाएगा, दूधी वड़ी, खरवस, बासुंदी, पूरणपोली, सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बेवरेजेस भी आपको मिल जाएंगे। और सबसे ज़्यादा जो रनिंग आइटम हम अभी खाने वाले हैं वो है विच इज़ द वेज मराठी थाली। थाली में फर्स्ट टाइम यहाँ खा रहा हूँ, अभी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। थाली में चपाती है, राइस है, भिंडी की भाजी है, एक उसल है, वरण है, दही है, अचार है। प्रकाश होटल की फेमस वेज थाली मैंने ली है, वेज मराठी थाली एक्चुअली। तो यहाँ पे काफी सिंपल दिखाई दे रही है, ये देखिए इसमें चार पूरी है, अच्छी फूली फूली पूरी दिखाई दे रही है, और एक ड्राई सब्जी है, एक गीली सब्जी है, दाल है, एक्चुअली दाल नहीं, इसको महाराष्ट्र में वरण बोला जाता है। तो वरण और दाल में क्या डिफरेंस है ये मैं आपको आगे जगह बताऊंगी। एक स्वीट है, सैलेड है, दही, अचार, पापड़ एंड राइस। तो बहुत ही सिंपल होम स्टाइल फूड दिखाई दे रहा है, फूली फूली पूरी और ये ड्राई भिंडी की सब्जी बहुत ही इंटरेस्टिंग दिखाई दे रही है मुझे, क्योंकि इसके ऊपर ये जो तिल डाले हुए हैं सफ़ेद तिल, ये मैंने फर्स्ट टाइम देखे हैं। और जो भिंडी का कट है ये भी थोड़ा सा बड़े साइज की भिंडी काटी हुई है इन्होंने, बढ़िया से फ्राई की हुई है भिंडी, ज़रा भी स्टिकी नहीं है, और बहुत हल्के हल्के मसाले इसमें डाले हुए हैं, तिल की वजह से अच्छी लग रही है। मैं भी घर पर ट्राई करूँगी तिल डाल के ऊपर से, आप भी ट्राई करना और मुझे बताना कि आपको कैसी लगी। सो नेक्स्ट इज दिस विद ग्रेवी वाली सब्जी। तो महाराष्ट्र में इसे उसल बोला जाता है, अगर हम कुछ गीली वाली सब्जी बनाते हैं ना जिसमें स्प्राउट्स हो या ऐसे कुछ कड़धान बोला जाता है, भिगो के बनाया जाता है। तो दिस इज चौली, बहुत ज़्यादा पतली करी नहीं है इसकी, कंसिस्टेंसी इज मीडियम। टिपिकल महाराष्ट्र सब्जी जिसमें मसाले डाले हुए हैं ना, एकदम महाराष्ट्र मसाले में। जब रेगुलरली अगर हम कहीं रेस्टोरेंट में जाके सब्जी ऑर्डर करते हैं, नॉर्थ इंडियन स्टाइल, पंजाबी स्टाइल, सिंधी स्टाइल, वो अलग टेस्ट होती है, इसका टेस्ट कम्प्लीटली डिफरेंट है, बढ़िया है। अगेन एवरी थिंग इज होम स्टाइल। सो इसके अलावा ये यहाँ पे वरण दिखाई दे रहा है जो मैं आपको बोल रही थी, दाल। सो दिस इज बेसिकली बॉइल्ड दाल। सो वरण दाल का कॉम्बिनेशन बहुत ही पॉपुलर है और बहुत ही कॉमन है, और शुभ अवसरों पे भी जैसे गणेश उत्सव वगैरह कुछ भी त्यौहार होते हैं ना, भगवान को भोग भी लगाते हैं, तो वरण भात उसमें एक एसेंशियल पार्ट होता है, और साथ में राइस दिया हुआ है इन्होंने। हल्का सा स्वीट है, अगेन जैसे मैंने बोला था आपको सिंपल बेसिक टेस्ट गुड, बट मुझे एक्चुअली थोड़ी तड़के वाली दाल ज़्यादा पसंद है पर्सनली। तो अगर आपके सिटी में भी ना दाल को कभी इस तरह से बनाया जाता है, यू नो प्लेन बॉइल्ड विदाउट तड़का, या आप अपने घर में बनाते हैं, तो मुझे कमेंट से बताइए कि किस ओकेजन में बनाते हैं। सर खातो इथे, कारण बाकी ठिकाणी खाताना ते पाव सव करतात आणि मला पाव आवडत नाही, ही ऑथेंटिक डिश आहे इकडची, त्यामुळे मी मोस्टली मिसळ ट्राय करतो आणि थालीपीठ ट्राय करतो, थालीपीठ पण छान आहे यांचं। इसके अलावा यहाँ पे ये सैलेड दिया हुआ है, सैलेड में मुझे फाइनली चौपकी हुई ककड़ी दिखाई दे रही है, टमाटर है, जीरा भी दिखाई दे रहा है इसमें, फ्राइड पापड़ है, दही है। तो दिस थाली कम्स एट अ प्राइस ऑफ 149 रुपीज़। अगर आप चाहो तो पूरी की जगह पे आप चपाती ले सकते हो, थाली में आपको 3 चपातीज मिलेंगी। रेग्युलर इतने मैं पुण्याहून आली आहे, हिची बहीण आहे, मी म्हणजे कधी खाल्लं नव्हतं, ऐकलं होतं खूप ह्याच्याबद्दल, पण मला साबुदाणावडा इथला खायचा होता, माझ्या सासूबाई नेहमी यायच्या लहानपणी असताना, पण आज मी खाल्ला, खूप टेस्टी, खूप छान। अँड लेट्स ट्राय द स्वीट। रवे की खीर दी हुई है स्वीट में, थोड़ी सी थिक है, दूध को उबाल उबाल के थिक नहीं किया है, रवे की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा है तो थोड़ी सी थिक है। एंड एक्चुअली आई एंजॉय हैविंग थिक टाइप ऑफ अ खीर, यू नो जब सेवई भी बनाते हैं तो मुझे थोड़ी सी थिक अच्छी लगती है, बिकॉज ज़्यादा पतली होती है ना, मतलब दूध अगर ज़्यादा डाला जाता है ना तो उसमें दूध का ही फ्लेवर डोमिनेंट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है ना, प्रॉपर खीर ऐसी लग रही है, अच्छी सी खुशबू आ रही है हल्की सी इलायची की इसमें। सो मैं ये थाली फिनिश करती हूँ, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आपको ये थाली अच्छी लगी हो तो मुझे बताइए कि आपको इसमें कौन सी डिश सबसे ज़्यादा पसंद आई, शेयर कर दीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और मिल जुल के चैनल को लेके जाते हैं 25,000 सब्सक्राइबर्स की फैमिली तक। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खाओ पियो एंजॉय करो।